सिख समाज ने जताई है आपत्ति, सनी लियोने की फिल्म से हटेगा कौर। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने निर्माता सुभाष चंद्र को चेतावनी दी है कि वो या तो इस शब्द को फिल्म के नाम से हटा लें या फिर सिख भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहें। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोने पर बनी फिल्म के नाम में कौर शब्द के प्रयोग पर कड़ी आपत्ति जताई है और निर्माता सुभाष चंद्र को चेतावनी दी है कि वो या तो इस शब्द को फिल्म के नाम से हटा लें या फिर सिख भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहें। सुभाष चंद्र को लिखे पत्र में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, सनी लियोने के जीवन पर बेस्ड करणजीत कौर दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सनी लियोने फिल्म से सिख भावनाओं को गहरी चोट लगी है। सिरसा ने कहा कि कौर शब्द हर एक सिख महिला के नाम के पीछे लगता है जिसके साथ उसे गुरु साहिब की तरफ से बख्शी अलग पहचान हासिल होती है। सिरसा ने कहा कि सनी लियोने ने अपनी प्रसिद्धि सनी लियोने के नाम के साथ पाई है तो करणजीत कौर नाम पर फिल्म क्यों बनाई जा रही है। सिरसा ने यह भी कहा कि सनी लियोने के नाम पर बनी फिल्म के नामों में कौर शब्द का प्रयोग उन्हें पब्लिसिटी स्टंट लगता है। उन्होंने कहा कि प्रोड्यूसर्स खुद दुनिया भर में घूमते हैं इसलिए उनको सिखों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने प्रोड्यूसर्स से अपील की है कि वो या तो फिल्म पर रोक लगाएं या फिर उसके नाम से कौर शब्द हटाएं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी इसका कड़ा विरोध करेगी।